मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। दोस्तों, आज की ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ वाली, परेशानी वाली बन गई है कि हम अपने आप को समय दे ही नहीं पाते। इसी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के ऊपर मैं कुछ लाइनें बोल रही हूँ। दोस्तों, विचार ज़रूर करना, अगर हो सके करके ज़रूर देखना। ज़रा मुस्कुरा कर तो देखें, दुनिया हंसती नज़र आएगी। सुबह सैर करके तो देखें, सेहत ठीक हो जाएगी। व्यसन छोड़ कर तो देखे, इज्जत बन जाएगी। खर्चा घटा कर तो देखे, अच्छी नींद आएगी। मेहनत करके तो देखें, पैसे की तंगी चली जाएगी। संसार की अच्छाई तो देखें, आपकी बुराई भाग जाएगी। ईश्वर का ध्यान करके तो देखें, सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। माता पिता की बात मान कर तो देखें, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ रिश्ते कैसे निभाने चाहिए उनको भी एक कविता के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि एक और रिश्ता प्यार की डाली से जा गिरा। सींचा बहुत प्रेम से, पर वो था गलत फहमी से गिरा। उस डाल को उस पर नाच था, प्यार था बहुत घना। आसपास की फफूंदियों ने कान उसके बहुत भरा। पहले ना आया किसी की बात में, गलत बात को झटकता रहा। फिर समय ऐसा आया जब वे बहुत ही कमज़ोर पड़ा। देर हो चुकी थी बहुत, और द्वेष आँखों से था छलक रहा। जब गिरा भूमि पर नाराज होकर, सूखा निर्जीव अकेला सोच रहा हर बात को, दिमाग की जगह दिल से क्यों नहीं सोच सका। अतः दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कोई भी रिश्ता हो उसमें सबसे पहले प्यार होता है, तो उन रिश्तों को दिल से निभाएं, दिमाग से नहीं। इसी के साथ आज के खुशनुमा मौसम के साथ खुशनुमा विचार। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना दोस्तों, जब परीक्षा चल रही होती है ना, तब शिक्षक मौन ही रहते हैं। इसी तरह भगवान परमात्मा भी मौन रहते हैं जब हम एक परीक्षा से गुजर रहे होते हैं। उनके कर्जदार व वफादार हमेशा रहिए, उनके कर्जदार व वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया है। पता है ना, अंजाम की खबर तो करण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्या भी कभी हल नहीं होंगी। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी। फिर भी हम जी रहे हैं ना वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज है शायद कल नहीं होंगी। तो दोस्तों, यही सोच रखिए कि जो मुश्किलें आज हैं वो शायद नहीं, होंगी ही नहीं। इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए। दुनिया बुरी है मतलब ही है तो होने दें, दुनिया बुरी है मतलब ही है तो होने दें। बस आप अपनों के लिए अच्छे व सच्चे बने, ईश्वर आपका बुरा नहीं करेगा। स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कितना भी किसी से दूर हों, पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल यादों में आ ही जाते हो। ज़िंदगी कभी किसी की भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी कभी किसी की भी आसान नहीं होती। इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ नज़रअंदाज करके, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ मेहनत करके, और कुछ सही समय में सही फैसले करके। तो इस समय यही सही है कि आप सब अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवनेस लाएं। दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि जो तुम कर रही हो, पता है जगह जगह तुम्हारी बहुत निंदा होने लगी है। लेकिन मैं जवाब में क्या कहती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि निंदा तो उसी की होती है ना जो जिंदा है। मरे हुए की तो बस तारीफ ही होती है, क्योंकि वो मर चुका है। इसलिए निंदा से दुखी मत होइए, तारीफ से खुश मत होइए, बस अपने आप को पॉजिटिव बनाइए।
जब से मुझे ये यकीन हो गया है कि परमात्मा मेरे साथ है, जब से मुझे ये यकीन हो गया है कि परमात्मा मेरे साथ हैं, तब से मैंने ये सोचना छोड़ दिया है कि कौन कौन मेरे खिलाफ है। तो आप भी ये सोचना छोड़ दीजिए कौन कौन खिलाफ है। आप हमेशा यही सोचिए कि सब आपके साथ हैं, तो आपका जीवन और भी खुशनुमा हो जाएगा। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते ना, जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते ना दोस्तों, तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, अपनी जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना कभी कमज़ोर, कभी निराश मत होना कभी कमज़ोर, आपका वक्त है, आप नहीं। दोस्तों अपनी पॉजिटिवनेस को बरकरार रखिए और मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू दोस्तों, ओम शांति।